देश में एक बार फिर से लगभग एक दर्जन जिलों के नाम बदलने की कवायद शुरू हो रही है। फर्स्ट फेज में 6 जिलों के नाम बदलने की तैयारी है, जबकि अगले फेज में 6 और जिलों के नाम भी बदल दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल को आप ट्यून कर चुके हैं, शुक्रिया। तो मैं बात करती हूँ उन जिलों की जिनके नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जाने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश भी हैं और गोरखपुर का सांसद होने के दौरान उन्होंने वहां के कई इलाकों के नामों को बदला दिया था। इसमें उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, मायूपुर को हनुमान नगर, मीना बाजार को माया बाजार और अली नगर को आर्य नगर कर दिया था। योगी के पिछले कार्यकाल में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे किया गया था, तो इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया था। अब करीब 6 ऐसे जिले हैं जिन पर अंदरखाने सहमति बन चुकी है और मुहर लग चुकी है। साथ ही कई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी साथ में रखा गया है और आगामी विधानसभा सत्र में इन्हें पेश किए जाने की तैयारी है। दरअसल राजनीति और इतिहास के जो जाने माने लोग हैं, जिन लोगों ने इतिहास पे काफी शोध किया हुआ है, उन लोगों से ही इन नामों पर सुझाव लिए हैं। 6 महीने पहले तथ्यों के साथ नया नाम सरकार को प्रस्तावित भी कर दिया गया और माना यह जा रहा है कि इस बार के विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पे मुहर लग जाएगी। और जिन जिलों के नाम बदले जाने हैं, यानी कि जिनके प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनमें अलीगढ़ है, अलीगढ़ का नाम जो है हरिगढ़ हो जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसको हरिगढ़ कहना भी शुरू कर चुके हैं। 6 अगस्त 2021 को अलीगढ़ की नई नवेली पंचायत कमेटी ने अपने नए अध्यक्ष विजय सिंह की अगुवाई में विकास भवन ऑडिटोरियम में ना केवल नाम बदलने बल्कि नए नाम का प्रस्ताव भी पारित किया था। इसका नाम हरिगढ़ या आर्यगढ़ रखने की तैयारी है। अब आते हैं फरखाबाद पे। फरखाबाद जिले से लगातार दूसरी बार मुकेश राजपूत सांसद हैं। हाल ही में उन्होंने फरखाबाद का नाम बदल कर पांचाल नगर रखने की मांग की थी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था और कहा था कि ये जिला द्रौपदी के पिता द्रुपद पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करता था, लिहाजा इसका नाम पांचाल नगर होना चाहिए। वे कहते हैं कि नारी शक्ति का प्रतीक रही पांचाली के मायके के नाम पर इस जिले का नाम रख करके नारी शक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ सुल्तानपुर की। यहाँ की लंबुआ सीट से बीजेपी के विधायक रहे देवमनी द्विवेदी भी जिले का नाम बदल करके कुछ भवनपुर करने का प्रस्ताव सरकार को भेज चुके हैं। वे कहते हैं कि इतिहास के एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि सुल्तानपुर को किसी मुगल शासन के सुल्तान ने नहीं बल्कि श्रीराम के बेटे कुश ने बसाया था। बदायूं की अगर मैं बात करूं तो इस जिले की तरफ भी अभी यहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन सरकार की नामकरण लिस्ट में ये जिला शामिल है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी ने 9 नवंबर 2021 के दिन बदायूं के एक कार्यक्रम में इसका एक संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा था कि बदायूं वेदों के अध्ययन का केंद्र था, इस वजह से प्राचीन समय में इसका नाम वेदमऊ था। तो ये माना जा रहा है कि इसका नाम बदल करके वेदमऊ हो सकता है। फिरोजाबाद की अगर बात करूं तो यहाँ की जिला पंचायत ने भी 2 अगस्त 2021 में बैठक करके जिले का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव सरकार के पास भी पहुंच चुका है। और अब मैं आती हूँ शाहजहानपुर पे। शाहजहानपुर से विधायक रहे मानविंदर सिंह भी सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेज चुके हैं। उन्होंने शाहजहानपुर का नाम महाराणा प्रताप के करीबी भामाशाह और एक और नाम शाहजी के नाम पर शाहजीपुर रखने का सुझाव दिया है। कुछ और भी जिले हैं जहां के लिए प्रस्ताव फिलहाल रेडी किए जा रहे हैं, जिनमें मैनपुरी, संबल, देवबंद, गाजीपुर, कानपुर, आगरा आदि जिले हैं। मैनपुरी को मयानपुरी करने की मांग की गई है और संबल जिले का नाम जो है पृथ्वीराज नगर करने की मांग उठ रही है। देवबंद को देववृंदपुर करने की मांग है और गाजीपुर, यहाँ से दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय एक साल पहले ही गाजीपुर का नाम बदल करके गढ़ीपुरी करने की अपनी मांग कर रही है। कानपुर देहात के रसूलपुर
और सिकंदराबाद और अकबरपुर रानिया में नामों को लेकर के प्रस्ताव बनाने को लेकर के प्रशासन जुटा हुआ है। उनको ये कहा गया है कि वो इनके नाम बदल के अपने प्रस्ताव सरकार को दें। आगरा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आगरा की वजह से अग्रवाल जिले के नए नाम के पक्ष में काफी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इन शहरों के नाम बदल जाएंगे, जैसा कि आजकल हम प्रयागराज कहते हैं, और आने वाले दिनों में इन जिलों को भी हम कुछ और नामों से पुकारेंगे। तो दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मिलती हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।